अब वर्क पावर एनर्जी देखो क्या कहानी है हमारे पास। आप लोग वर्क किसे कहते हो? चलो मैं पहले हेडिंग डाल दूं। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ। आप ऐसे देखो, अगर मान लो निशांत पढ़ रहा है तो वो कहेगा मैंने बड़ा काम किया, हाँ या ना? अगर निशांत पढ़ाई कर रहा है या पारस पढ़ाई कर रहा है या देवांश पढ़ाई कर रहा है तो कहेगा जी मैं तो बड़ा काम कर रहा हूँ, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट वर्क। तो वर्क फिजिक्स में क्या होता है, यहां पर हमें ये सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो वर्क की, लिखो वर्क। लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिखो वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड। लिख लिया इतना? लिख लिया? अरे कुछ रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इतना, फिर आगे लिखेंगे। मैंने कहा वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट, इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसी को क्यों वर्क डन कहते हैं, ठीक है। ये तो जो किताब में लिखा है मैंने आपको डिक्टेट कर दिया एज इट इज, लेकिन ऐसा इसी को वर्क क्यों कहते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गेट्स डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मेरी बात सुनो, मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे, फोर्स के डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इस पॉइंट पे लग रहा है बेटा, ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस और नो? ये हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब अगर ये पॉइंट ऐसे डिस्प्लेस होता है, सपोज दिस इज ds वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ds, इफ ds वेक्टर परपेंडिकुलर टू f, देन वर्क डन इज जीरो। यही तो बोला है हमने, डेफिनेशन यही है कि अगर ds परपेंडिकुलर टू f वेक्टर है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, ठीक है।
अदरवाइज दैट इज इफ डीएस नॉट परपेंडिकुलर टू एफ देन वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, तब वर्क डन जीरो नहीं होता है। ये सुनो, ठीक है, ये बात हमने बोली है, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे ऐसा ही है या नहीं। अब क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यही क्यों डेफिनेशन है, कुछ और क्यों नहीं है? ठीक है, हमने क्या कहा, वर्क तब होता है जब फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है इस पॉइंट पे लग रहा है, अगर ये पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस होता है और परपेंडिकुलर टू एफ ना हो, मतलब अगर ये डीएस ऐसा होता, अगर मैं ऐसे ही बनाऊं, जरा देखो, अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ऐसा बनाता, तो वर्क डन क्या होता, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। क्लियर है? ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात ध्यान सुनो। अब आप एक चीज देखो, अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है, ध्यान सुनो भाई, अपनी कहानी मत बनाओ, मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा आपको, उसके लिए तैयार रहो, जो मैं बात बताऊंगा किताबों में नहीं होगी, तो इसलिए मेरी बात सुन लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक, और बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब उसके शेप में साइज में चेंज नहीं आता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, लिखो जरा, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज, लिख लिया सबने, लिख लिया तो यस कहो भाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो बॉडी is moving on given curve path, अगर body is given curve path पे चल रहा है, ठीक है भाई, ठीक। अब जरा ध्यान सुनना, किसी moment पे body यहां पर है और उसकी वेलोसिटी ऐसे v वेक्टर होगा या नहीं होगा, टेंजेंट टू द पाथ, यस ऑर नो, यस ऑर नो, ठीक है। अब तो मैंने क्या कहा, बॉडी इस कर्व पाथ पे चल रहा है, थोड़ा सा कर्व पाथ थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, बॉडी यहां पर है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, फोर्स लगने पे बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहा है, लेकिन फोर्स लगने पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है या नहीं बदल सकती, जल्दी बताओ मुझे, फोर्स लगने पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या लिखा, क्या लिखा, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग, ऐसा ही लिखा ना आपने, यही लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब लिखो, बट
इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस लिखो, बट इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस लिखो, बट इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस देन वी से दैट गिवन फोर्स इज परफॉर्मिंग सम वर्क, देन वी से दैट गिवन फोर्स इज परफॉर्मिंग सम वर्क. लिख लिया इतना, लिख लिया भाई? लिखा या नहीं जल्दी बताओ. मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है बॉडी की, तो हम क्या कहते हैं कि वो गिवन फोर्स बॉडी पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. ठीक. अब इस डायग्राम को देखो. अगर बॉडी इस कर्व पाथ पे चल रही है, ध्यान सुनना, तो यहां पर एक फोर्स होगा सेंट्रिपिटल, जो कि वेलोसिटी का क्या चेंज कराएगा, डायरेक्शन. एफ सी क्या करता है, ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, बट डू नॉट चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. यस और नो? यस और नो? तो एक बात बताओ, क्या ये एफ सी काइनेटिक एनर्जी बदलेगा बॉडी की? क्या ये सेंट्रिपिटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी बदल पाएगा बॉडी की? नहीं बदल पाएगा. बिल्कुल सही बात है भाई. जब स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल जाएगी? सिर्फ क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है. हाँ या ना? अबे काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. तो अब इसका मतलब एफ सी कांट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज व्हाट, जीरो. वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो. यस और नो? यस और नो? मैंने यही तो कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी बदलेगा तभी हम कहेंगे वर्क डन होता है. हाँ या ना? अब एक चीज देखो, अगर यहीं पर ऐसे करके एक एफ टी आ जाए, अब ये क्या करेगा, एफ टी ऑनली चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नॉट द डायरेक्शन. हाँ या ना? नॉट द डायरेक्शन. पक्का? ठीक है. अब एक बात बताओ, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस. हाँ या ना? पक्का क्लियर है? मह गर्ग, क्या समझ नहीं आया बेटा मुझे बताना जरा. रुक जाओ, पहले मैं लिख दूं फिर बताता हूं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस, सो वर्क डन बाय एफ टी एग्जिस्ट. हाँ या ना? वर्क डन बाय एफ टी एग्जिस्ट. ये अभी वाला समझ नहीं आया. क्या अभी वाला बेटा? अभी वाला क्या चीज है ये बताना मुझे जरा. अभी वाली कौन सी चीज है ये बता मुझे पहले. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है महक, जल्दी बताना जरा. जो 9th, 10th, 6th, 7th में पढ़ा हो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बताना, जल्दी बताओ. हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी यही होती है शायद. हाफ एम इंटू वी स्क्वायर. हाँ या ना? ठीक है. अब हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर मैंने क्या लिखाया
कि कोई भी फोर्स वर्क तब करता है जब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज करे। ये डेफिनेशन दी कि नहीं दी मैंने आपको? इसको करने से पहले मैंने ये बात लिखाई है, भी लिखाई है ना। तो अगर वी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, ये मतलब आ गया। अब वी के मैग्नीट्यूड को टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल फोर्स में कौन बदलता है, ये मैं पिछले 2-3 चैप्टर से बताता जा रहा हूँ। कौन बदलता है वी के मैग्नीट्यूड को? टेंजेंशियल फोर्स बदलता है। तो अगर वी के मैग्नीट्यूड को टेंजेंशियल फोर्स बदलता है बेटा, ठीक है इतनी बात, और सेंट्रिपिटल नहीं बदलता है, तो सेंट्रिपिटल कोई वर्क नहीं करेगा। तो वर्क करने वाला कौन है? कौन है करने वाला वर्क, जरा बताना मुझे, कौन हो गया? टेंजेंशियल फोर्स हो गया, ठीक है इतनी बात, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब अगर हम इस मोमेंट पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखें, दिस इज ds वेक्टर, हाँ या ना, ऐसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई कर्व पाथ पे ही चलेगा, तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ds चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, वर्क डन की जो डेफिनेशन आ रही है, क्योंकि सेंट्रिपिटल तो वर्क करने वाला नहीं है, dw इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगले पेज पे करते हैं तब क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो दोबारा से देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा, परेशान रहो। आप इस कर्व पाथ पे चल रहे थे, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, ये हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स, ये हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स, हाँ या ना, ठीक है। हमने ये तो बता ही दिया कि ये वर्क नहीं करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब आप देखो इस इंस्टेंट पे, अच्छा ये हमारा क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसी जगह पे लग रहा है फोर्स, हाँ या ना। अब एक चीज देखो, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत छोटे से टाइम में कितना आगे चला, ds वेक्टर, चल गया कि नहीं चल गया, जल्दी बताओगी? अरे चल गया भाई, अब मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना, जो छोटा सा वर्क डन हुआ इस दौरान, क्योंकि सेंट्रिपिटल ने करना नहीं है, उसको हम क्या लिखेंगे, एफ टी इंटू डी एस, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, एफ टी इंटू डी एस, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, एफ टी इंटू डी एस लिख दिया, ठीक, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब एक काम करो, आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं नेट फोर्स देखूं, यही है या नहीं, हाँ या ना, और ये एंगल अगर मैं थीटा कहता हूं, तो एफ टी इज एफ कॉस थीटा एंड एफ सी इज एफ साइन थीटा, ये सुनो, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी एस, हाँ या ना, एफ कॉस थीटा इंटू डी एस, देखो बहुत सुंदर सा रिजल्ट बन रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, आगे कि नहीं आ गया,
आ गया भाई, क्लियर है? तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स, नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है? अगर मैथमेटिकली बात करें तो नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वर्क डन, और अगर वैसे बात करें तो एक्चुअल में दिस थिंग इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता तो कौन सा फोर्स होता सिर्फ, अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता तो कौन सा फोर्स होता, एफ सी, ठीक है। एफ सी होता तो क्या एफ सी कोई वर्क करता, नहीं करता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यही बात तो बोल रहा था मैं, हाँ या ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर मुझे वर्क डन फॉर लार्जर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इसी को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा प्रॉपर लिमिट के साथ, यस और नो, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ठीक है, हो गया, चलो आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान सुनो, अब सबसे पहले आप देखो जो हमारे पास वर्क डन आया DW दैट इज FT इंटू DS, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, FT क्या है, फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग DS वेक्टर इंटू DS, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, व्हाट वाज FT, FT क्या था बेटा आपका, जरा देखो पिछले पेज पे, FT क्या है, फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है इंटू DS। अब जरा देखो दूसरा, हमें एक और चीज पता है, DW इज इक्वल टू FDS कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये V, ये DS, ठीक है, और ऐसे करके F था, नेट फोर्स ऐसे था। अगर मैं DS का कंपोनेंट लूं इधर ऐसे, तो दिस बिकम्स DS cos थीटा, यस सुनो, पिंक वाला DS cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं DW को इज इक्वल टू नेट फोर्स हम क्या कह सकते हैं, ये नेट फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एफ वेक्टर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं बेटा, डीएस कॉस थीटा क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एफ वेक्टर इनटू एफ, ठीक है, ये चीज हो गई। और बाकी हमारे पास सही, DW इज इक्वल टू एफ डॉट DS, इतनी बातें हमें पता है। अब वर्क डन है कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यस और नो, यस और नो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन और ये मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल
इज व्हाट इट्स एसआई यूनिट, अर्ग इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, अब इतनी कहानी हो गई, चलो आगे बात करते हैं। अब एक चीज और देखना बेटा, ये वेलोसिटी है, ये एफ टी, ये एफ सी, और ये नेट फोर्स। इस केस में एफ टी पैरेलल टू वी वेक्टर है या नहीं, है या नहीं? जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें एफ टी पैरेलल टू वी वेक्टर है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब देयर फोर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इंक्रीजेस, यस और नो? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इंक्रीजेस, पक्का? इसका एक और मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, यानी कि वर्क डन इस फोर्स का क्या है? पॉजिटिव। वर्क डन इस फोर्स का क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और ये कब हो रहा है? जब थीटा इज अक्यूट। थीटा अक्यूट ही आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ, यस और नो? अब दूसरे केस पे आ जाओ बेटा, ये वी मान लो एफ टी ऐसा, एफ सी ऐसे, ये एफ नेट, हाँ या ना? ठीक है भाई, अरे क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। अब एफ टी एन टी पैरेलल टू वी वेक्टर, देयर फोर मॉड वी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, वर्क डन नेगेटिव। और अगर एंगल देखो आप डी एस और एफ के बीच में, जरा देखो ये डी एस होगा कि नहीं होगा, एफ और डी एस के बीच में एंगल अक्यूट था, यहां देखो एफ और डी एस के बीच में एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। कब? थीटा इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या कर रही है? घट रही है। क्लियर है भाई? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक, अब जरा देखो बेटा, अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, ठीक है, फोर्स के बारे में। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, पहला अगर हम बात करें वर्क डन की बात करें, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एस, ऐसा ही है या नहीं? फॉर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस फ्रॉम एस इनिशियल टू एस फाइनल, ऐसा इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, अरे करेंगे या नहीं? ठीक है, अब आप एक चीज देखो बेटा, यहां पर दो केसेस, ए इफ एफ कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है
तब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जल्दी बताओ। इफ एफ कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट इंटीग्रेशन डी एस फ्रॉम एस इनिशियल टू एस फाइनल। डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, लिमिट डाल देते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये आ जाएगा कांस्टेंट फोर्स के लिए कि नहीं, ये सुनो, ठीक है। अगली कहानी देखते हैं। बी पार्ट इसका, इफ एफ वेरिंग, अब इस केस में इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू आपको प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ का फंक्शन पता होना चाहिए, डॉट डी एस एस आई से एस एफ, ठीक है, हम बाहर नहीं ले सकते, ठीक है भाई। कोई इशू है इसमें, कोई इशू है किसी को, नहीं, ठीक है। अब अगली कहानी देखते हैं। अब देखो, ए पार्ट, इफ एफ कांस्टेंट और एफ को कंपोनेंट के फॉर्म में दे दिया गया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये दे दिया गया। तो मैंने कहा फोर्स कांस्टेंट है और इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन एस इनिशियल एक्स आई वाई आई जेड आई एंड फाइनल पोजीशन जहां ले जा रहे हैं एक्स एफ वाई एफ जेड एफ। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो दैट इज सिंपली, अभी हमने देखा था एफ डॉट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अभी अगर कांस्टेंट फोर्स से यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ यार, हाँ या ना, ठीक है। अब आप देखो एफ तो लिखा हुआ है, एस इनिशियल क्या होगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप होगा, और एस एफ क्या होगा, एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब अगर मैं एस एफ माइनस एस आई वेक्टर लिखता हूं तो इट इज ऐसा, लिख सकता हूं या नहीं जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं, सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब मैं इन दोनों की क्या रख देता हूं, यहां वैल्यू रख देता हूं, एक मिनट बेटा कॉल आ रहा है, हेलो, हाँ डीजे बोलो, मुझे उधर कुंजपुरा भी जाना है, ठीक 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 ठीक, हाँ, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब हम क्या करें, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, यस और नो बता दो भाई मुझे। अगर ऐसा लिखेंगे तो बहुत आसान है, आई डॉट आई वाले
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई और आई वाले, जे और जे वाले, और के और के वाले। तो सीधे सीधे वर्क डन क्या आ गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल प्लस एफ वाई वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल प्लस एफ जेड जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। ये वर्क डन आ गया कि नहीं आ गया, ये सुनो। एक बच्चे ने लिखा समझ नहीं आया, कौन है जिसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ भाई, किसको समझ नहीं आया, चैट बॉक्स में लिखा हुआ आया था। अभिषेक गर्ग तुझे समझ नहीं आया, अरे कौन था जिसको समझ नहीं आया भाई, चैट बॉक्स में आओ फटाफट। पारस चावला को समझ नहीं आया, और कोई जिसको समझ ना आया हो भाई पारस चावला के अलावा। बाकी किसी को डाउट नहीं है, पारस चावला को डाउट है। पारस चावला डाउट क्या, आप ये समझा दे मुझे भाई, पारस चावला प्लीज डाउट बता दो भाई साहब। वो जो ऊपर लिखा है, क्या ऊपर लिखा है, अबे फिजिक्स की लैंग्वेज बात कर, डॉट प्रोडक्ट समझ नहीं आया या डेफिनेशन समझ नहीं आई। एक्चुअल में फोर्स कांस्टेंट है तो इसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये मैंने पढ़ाया हुआ वेक्टर में, याद है। डॉट प्रोडक्ट समझ नहीं आया, इसका मतलब तो पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा गालियां भी खानी पड़ेंगी, डॉट प्रोडक्ट में गड़बड़ होगी। अबे भाई एफ एक्स आई कैप डॉट दिस आई कैप, आई डॉट आई वन होता है, बाकी आई का सबके साथ जीरो हो जाएगा। ऐसी जे डॉट जे वन होता है, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। के डॉट के वन होता है, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। कितनी बार बताया जाए ये सब, ठीक है। अब सुनो, अब इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली सही से करनी चाहिए वरना मरोगे। अब क्या कहानी है, अब दूसरा केस, इफ इफ वेरिंग, तो बेटा अगर मैं एफ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो एक बात बताओ ये कंपोनेंट्स भी वेरिंग होंगे कि नहीं होंगे। अगर एफ वेक्टर वेरिंग है तो उसके कंपोनेंट भी वेरिंग होंगे, पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब अगर हम वर्क डन देखें तो जो डेफिनेशन है दैट इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस एस इनिशियल से एस फाइनल कौन से पॉइंट है, एक्स एफ वाई एफ जेड एफ, और एस इनिशियल कौन से हैं, एक्स आई वाई आई जेड आई। अब कैसे करेंगे इस केस में, ठीक है, जरा देखो। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आप एक बताओ, अगर कहीं पर एस वेक्टर लिखा है तो एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर मैं उसका छोटा सा पार्ट जानना चाहता हूँ, डीएस जानना चाहता हूँ, तो डीएस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एक्स का छोटा सा पार्ट, वाई का छोटा सा पार्ट और Z का छोटा सा पार्ट, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जल्दी बताओ मुझे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जल्दी बोलो यार। अगर S वेक्टर को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट X, Y, Z हैं तो उसका हम जब छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन लेंगे तो क्या होगा, DS वेक्टर, और DS वेक्टर क्या होगा, DX IK प्लस DY JK प्लस DZ K कैप। तो अब डॉट प्रोडक्ट DS के साथ था इसका, तो DS कितना, DX I कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, आई डॉट आई वन होगा, हाँ या ना, एफ एक्स डी एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एफ एक्स डी एक्स होगा, अब एक्स की लिमिट कहाँ से है, इनिशियल से फाइनल प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, वाई के लिमिट कहाँ है, वाई इनिशियल से वाई फाइनल प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड
डी जेड, जेड इनिशियल से जेड फाइनल, यस और नो? यस और नो? देख लो कितना आसान सा है, ठीक है भाई। तो ये वर्क डन हो गया कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। लिखो जरा, इतना नोट कर लिया तो एक पॉइंट लिखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको वर्क डिफाइन करा रहा हूं बेटा, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, वर्क इज नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आगे बेटा, 5 मिनट में आगे। वर्क इज नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। वर्क इज नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी क्या कर सके, स्टोर कर सके या लूज कर सके, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो दैट इज बॉडी कैन नॉट गेन और लूज वर्क। बॉडी कैन नॉट गेन और लूज वर्क, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे भाई।